यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को लखनऊ एयरपोर्ट पर प्रशासन ने रोक लिया है। बताया जा रहा है कि छात्र संघ के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वो प्रयागराज जा रहे थे, जिसके बाद इस बात पर विधान परिषद में जमकर हंगामा हो गया। बता दें कि सपा सदस्यों ने विधानसभा के परिसर में आकर हंगामा करते हुए प्रदेश की योगी सरकार पर तानाशाही के आरोप लगाए। साथ ही उनका कहना है कि इस तरह की हरकत सीधे तौर पर लोकतंत्र की हत्या है। बदसलूकी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव जी वहाँ पे सम्मिलित होने जा रहे थे, मगर उन्हें लखनऊ एयरपोर्ट पे गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें रोक दिया गया। और जिसके विरोध में आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये कहाँ का सामाजिक न्याय है कि एक नेता अपने छात्र छात्राओं के निवेदन पे अगर उनसे मिलने जा रहा था तो उन्हें रोका जाए। ये कहीं से भी संवैधानिक नहीं है। और जिसके आधार पे उनको लखनऊ एयरपोर्ट पे रोक दिया गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया, उनके साथ बदसलूकी की गई, ये वर्तमान भाजपा सरकार ये हम सबको गिन गिन के जिस तरीके से प्रताड़ित कर रही है, हमारे नेताओं को, हमारे वरिष्ठ नेताओं को जिस तरीके से प्रताड़ित कर रही है, ये हम समाजवादी और अंबेडकरवादी कार्यकर्ता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका हम लोग पुरतोड़ जवाब देंगे। हम विरोध करते हैं कि योगी सरकार अब होश में आ जाओ, अगर इसी तरीके से तुम हम सबको प्रताड़ित करोगे तो इसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम सब तैयार हैं।